वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर आर इजी। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन का मॉड्यूल थ्री। मॉड्यूल थ्री में हम लोग अभी तक जो डिस्कस किए थे आपको लिमिटिंग डेप्थ कैसे निकाला था उसका डेरिवेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एज पर LSM मेथड। LSM स्टैंड फॉर That is limit state method, okay? है ना। इस method से हम लोग क्या देखेंगे, moment of resistance कैसे निकलता है ना, इस method से है ना, किसका, singly reinforced है ना। ओके, बाद फिर हम लोग डब्ली का फिर डिस्कस करेंगे। सो चलिए आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि हर एक से छोटे छोटे टॉपिक को जहाँ पे प्रॉब्लम हो उसको स्टार मार्क लगाइएगा और उसको हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना पाए, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हम लोग ये सब चीज़ देख ही लिए थे। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। ये कॉलम ये ध्यान पर रखिएगा, ये कॉलम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि XU max/D जब है, XU max/D मतलब XU का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कितना होता है 250 ग्रेड के लिए, 415 के लिए और 500 के लिए। तो 250 के लिए सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज 0.53, देन 0.48, देन 0.46। और वो कैसे आता था, तो वो आपको पता था, वो कैसे आता था आपको पता था कैसे आता था, तो देखिए आता वो था ऐसे, इस फॉर्मूला से आता था। इस फॉर्मूला में आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक था इस इक्वेशन में, इसीलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में हम लोग बताए थे क्या वहाँ पे मिस्टेक था। ये जो हो गया ये वैल्यू, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो है यहाँ पे 0.87 FY/ES प्लस 0.002, ये हो गया स्टील का, और प्लस इसमें 0.0035 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0.0055। ओके, सो ये एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ दीज XU max/D है ना, ये वैल्यू निकल जाएगा, करेक्ट। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को पता होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अवेलेबल इन क्लॉज नंबर जी, दैट इज एनेक्स्टर जी, क्लॉज नंबर जी 0.1.1, और वी कैन से इट इज एनेक्स्टर जी का क्लॉज जी 1.1, इस पे आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, है ना, इस पे आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको अगर देखना है एनेक्स्टर जी में जो है आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड का जितना भी फॉर्मुलेशन है ऑल आर देयर इन एनेक्स्टर जी। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है। अब इस बीम में आपको पता है कि ये जो है ये वाला लाइनिंग जो है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस एज अब गिवन, दिस डी इज ओवरऑल डेप्थ, दिस स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ, दिस डी डैश इज इफेक्टिव कवर। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज मेंशन कर, दैट इज बी इज दी विड्थ, है ना, विड्थ ऑफ द सेक्शन सिंगली रीइंफोर्स्ड। सिंगली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही लोकेशन पर रीइंफोर्समेंट जो है प्रोवाइड है ना। अब आपको पता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से फाइंड आउट हुआ, यहाँ से फॉर्म आउट हुआ, तो यहाँ पे एक जोन टेंशन और दूसरा जोन क्या हो जाएगा, एक जोन टेंशन और दूसरा जोन कंप्रेशन। यहाँ पे टेंशन इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टील, ये जोन जो है ये टेंशन जोन हो गया, है ना। अब आप देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो था, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस का वैल्यू जीरो ही रहता है ना। अब हमको पता था कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो होता था ये 0.004 FCK होता था वैल्यू, है ना। चूंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ये जो रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है ये है रेक्टेंगुलर रीजन, और ये जो रीजन है ये दूसरा रीजन, जो कलर हम चेंज कर देंगे ताकि आपको समझने में इजी हो, है ना। तो यहाँ का जो रीजन था, ये रीजन मेरा क्या था, पैराबोलिक रीजन था, है ना। तो दो रीजन है, तो दोनों रीजन का हम लोग जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये चूंकि एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट क्या है, कंप्रेशन है, तो नेट कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग सी लिख लिए, वो ऐड कितना हो रहा था इतना, और ये कैसे हो रहा था हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे लाइक दिस,
यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, है ना। तो हमारा यहाँ से ये सब पैरामीटर्स आया। अब आपको पता था कि यहाँ पे ये 0.87 FY by AST कैसे आया, तो आपको पता है कि FY और डिजाइनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, गामा MS लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया FY और गामा MS का वैल्यू 1.15 होता है ना, तो यू विल गेट 0.8787 FY, दिस इज FD, डिजाइन स्ट्रेंथ, है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ। अब आपको इस ये स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स टू पी बाई ए, स्ट्रेस इक्वल्स टू पी बाई ए, वंस यू वांट टू फाइंड द पी जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाई ए, है ना, ए से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वॉट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस पी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस पी, क्योंकि यहाँ से ए कैंसिल हो गया था, आपको पी मिल गया, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ए एस टी मल्टीप्लाई है ना, करेक्ट, ओके। अब आप देख लो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट चूंकि लिमिट स्टेट में क्या बोल रहा है कि वो अल्टीमेट वैल्यू तो जाएगा। आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि ये जो जैसे माइल्ड स्टील का आप बना रहे हैं तो ये इसका अल्टीमेट जोन होता है, उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट आता, मतलब कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड दे कैन बियर, ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट, है ना। सो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं किसमें, LSM में, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस M इज ड्यू टू बोथ कंप्रेशन फोर्स एज वेल एज टेंशन फोर्स, वी कैन हियर राइट डाउन इट एज C इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म आपको पता था कि वो उसका डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस होता है, तो अभी आपको दिखा मैं दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस होता है टोटल फोर्स एक्ट जहाँ पे कर रहा है, टोटल फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म, करेक्ट, लीवर आर्म बोलते हैं। तो अब आप देख लो कंप्रेसिव फोर्स मेरा क्या था, कंप्रेसिव फोर्स मेरा क्या था 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू, और लीवर आर्म मेरा क्या था डी माइनस, लीवर आर्म मेरा क्या था डी, लीवर आर्म देख लो यहाँ पे लीवर आर्म कितना था डी माइनस 0.42 एक्सयू, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने रख दिया। सिमिलरली अगर आपको 0. टेंशन के रेस्पेक्ट में निकालना, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा है तो टेंशन के रेस्पेक्ट में निकालना, तो दैट इज डी माइनस 0.42 एक्सयू, है ना, इंटू 0.87 FY इंटू AST, करेक्ट। तो ये इक्वेशन ध्यान पर रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन अगर फिर से हम मेरे को अगर रिप्रेजेंट करना है उसको किस टर्म में, उसको अगर रिप्रेजेंट करना, अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए थे वीडियो तो ये टर्म देखे थे, एक्सयू मैक्स वाई डी का वैल्यू कितना था 0.53, दूसरा कितना था 0.48, और तीसरा कितना था, तीसरा था मेरा 0.46, करेक्ट। तो ये तीन था। अब आपको पता है ये तीनों वैल्यू किस किस के लिए था, ये भी मुझे बताना नहीं पड़ेगा। पहला था एफ ई 250, फिर 415 के लिए ये था, और 500 के लिए ये था ना। अब मेरे को अगर ये वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट इसको पुट कैसे कर देंगे, डायरेक्ट इसको पुट कैसे करेंगे, उस चीज के बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो जैसे इसको ऐसे ही लिखें, अब क्या किए हम इसमें, क्या किए, ये डी को बाहर निकाल दिए, कौन से डी को बाहर निकाल दिए, कौन से डी को बाहर निकाल दिए, बताओ जल्दी बताओ कौन से डी को, ये डी को बाहर कॉमन ले लिए, इस डी को कॉमन ले लिए, इस डी को कॉमन ले लिए, है ना, इस डी को कॉमन ले लिए, है ना, इस डी को कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए, तो हम क्या किए, इसको कॉमन नहीं लेके हम क्या किए, अब आप देखो अगर ऐसे नहीं, अगर आपको ये हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना, देखो देखो कैसे हो रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू डी, लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते, तो 1 - 0.42 एक्स यू बाई टू डी लिख सकता था कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता था। अब यहाँ पे बात आया कि यहाँ पे डी स्क्वायर कैसे आ गया, तो डी स्क्वायर आया, मान के चलो ये एक्स यू को अगर एक्स यू मैक्स में अगर रिप्लेस कर दो, मान के चलो कि एक्स यू मैक्स में इसको रिप्लेस कर रहे हो, तो एक्स यू एम स्टैंड फॉर एक्स यू मैक्स बाई डी अगर कर दोगे, तो नीचे में अगर डी करोगे तो यहाँ पे भी डी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर आएगा कि नहीं, तभी तो ये, अच्छा पहले लिख लो, और बाकी ये जितना टर्म है वो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे है ना, और अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में ईजी हो,
ये टर्म जो था, ये जितना टर्म था वो यहाँ पे आ गया है ना, आ गया करेक्ट। अब आपको क्या करना, वो टर्म यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है ना। अब आपको सोचना क्या है कि ये इक्वेशन फिर कैसे आएगा, तो यहाँ से ये डी को काट दोगे तो देखो सेम एज इट इज इक्वेशन आ गया। तो अगर आपको एक्स यू मैक्स वाई डी का वैल्यू प्लेस करना है तो मेरा इक्वेशन मेरा ये आ गया, तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया ये है ना। सिमिलरली अगर 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स यू, तो इसको भी हमको अगर एक्स यू मैक्स वाई डी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, मेरा इक्वेशन आ जाएगा ये करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ओके। अब मेरे को एक चीज पता है, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एस टी, मतलब हाउ मच एरिया ऑफ स्टील इज देयर इन दिस सेक्शन, फॉर दैट रीजन वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स यू इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन फॉर दैट ओनली। एक्स यू बाई डी का वैल्यू इतना आया, ये वैल्यू कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से आया था, आपको पता है कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टेंशन फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स कितना था 0.36 एफ सी, हर एक चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए घबराना नहीं है, बने रहना है। 0.87 एफ वाई ए एस टी करेक्ट, ए एस टी है ना, 0.87 एफ वाई ए एस टी करेक्ट है ना। अब आपको क्या करना, अब आपको सोचना है कि अगर यहाँ पे, अब आपको सोचना है क्या, अगर यहाँ पे मेरे को एक्स यू निकालना, मेरे को क्या निकालना है, एक्स यू निकालना है, क्या निकालना है, एक्स यू निकालना है, और एक्स यू बाई डी अगर कर दोगे है ना, तो इधर भी डी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा है ना, करना पड़ेगा कि नहीं, इधर अगर डी करोगे तो इधर भी डी करना पड़ेगा है। अब ये पैरामीटर्स जितना है उसको अपोजिट साइड में लेके चले जाओ, ये पैरामीटर्स जितना दिख रहा है उसको अपोजिट साइड में लेके चले जाओ, यू विल इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, देखो इतना आ रहा है कि नहीं इक्वेशन, बिल्कुल आ रहा है, सो घबराना नहीं है। और ये आपको जो है आईएएस कोड के जो सेक्शन नंबर है एनएक्सर जी में आपको सारा पैरामीटर्स मिल जाएगा है ना ओके। अब आप यहाँ से क्या किए, यहाँ से एक्स यू मैक्स वाई डी का वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस कर दिए, इस इक्वेशन में प्लेस किए तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो है दैट इज एम यू इक्वल्स 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी इंटू वन माइनस ए एस टी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई बी इंटू डी इंटू एफ सी के। अब आपको मन में होगा कि ये और ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई 0.36 भी है, तो इसको अगर 0.42 × 0.87 को अगर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0.36 तो दैट इज नियरली इक्वल्स टू 1.001 इस तरह का कुछ आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू, वी कैन से दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1, इसीलिए मेरा इक्वेशन ये आ गया। अब मेरे को क्या रहा कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, लिमिटिंग जब भी बात लगाए मतलब मैक्सिमम वैल्यू, कितना मैक्सिमम वैल्यू दे कैन रेजिस्ट ओके। सो हम क्या किए, हम सेम इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, देखो ध्यान रखना, सेम इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, इस इक्वेशन को क्या किए, एक्स यू के जगह पे एक्स यू मैक्स प्लेस कर दिए, एक्स यू के जगह पे एक्स यू मैक्स प्लेस कर दिए, वी कैन सी दिस इक्वेशन है ना। अब एक चीज देखो अगर एफ, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेड बनाया है ना, ये इक्वेशन दिख रहा है एज इट इज इक्वेशन है। अब आपको क्या करना, मैंने ग्रेड बनाया कुछ जैसे M20, M25, M30 है ना, M20 में अगर FCK का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली FCK 20 ही होगा, ये किसके लिए 20 होगा, M20 के लिए होगा ना, मतलब जितना ये न्यूमेरिक वैल्यू रहता है वही यहाँ पे आ जाता है, आता है कि नहीं ओके। सो अब आपको पता है एक चीज कि अब यहाँ पे अगर माइल्ड स्टील के लिए यूज करेंगे तो माइल्ड स्टील के लिए मतलब 250 ग्रेड के लिए एक्स यू मैक्स बाय डी का वैल्यू कितना होगा, 0.53 होगा कि नहीं, 415 के लिए 0.48, इस वैल्यू को FCK का वैल्यू रख दो और इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दो, कहाँ पे प्लेस करोगे, इस इक्वेशन पे और यहाँ पे है ना, तो मेरा इक्वेशन जो आएगा, अब मेरा इक्वेशन M20 ग्रेड के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या हो गया, अगर M20 ग्रेड रहे और Fe 250 रहे तब मेरा इक्वेशन मेरा ये आ जाएगा। अभी FCK का वैल्यू अगर नहीं रखो तो बस सोचो कि
और जूम कर देते हैं, और जूम कर देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो। बस सोचो कि इस इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ 0.36 इंटू 1 माइनस 42 करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या किया, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बताओ जल्दी बताओ, मैंने क्या किया, वैल्यू मैं पुट कर रहा, मैंने वैल्यू पुट करा, तो मैंने कौन सा वैल्यू पुट करा, देखो मैंने एफ सी के का वैल्यू अभी पुट नहीं करा, मैंने एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू पुट करा, इसका वैल्यू पुट करा, इसका वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट करा, यहाँ पे पुट करा, तो मेरा इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन मेरा ये आया 250 ग्रेड के लिए, 415 ग्रेड के लिए, 250 के लिए 0.148 बी एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर, और सिमिलरली क्या हुआ बताओ, 415 के लिए 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, और 500 के लिए 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और कहीं कहीं पे डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो वो ध्यान पे रखना है ना, इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ये ध्यान पे रहेगा। अब मेरे को बात आ रहा है कि अगर M20 ग्रेड यूज है, मतलब FCK का वैल्यू अगर 20 रखोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू 2.96 BD स्क्वायर। सिमिलरली अगर M30 रखोगे तो, अगर FCK का वैल्यू कितना रखोगे 30 रख दोगे, तो यहाँ पे वैल्यू 4.44 BD स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब मान के चलो कि जैसे FE 450 ग्रेड है, मतलब 0.133 FCK BD स्क्वायर, अगर मान के चलो 250 ग्रेड का हम लोग यूज किए, सॉरी 20 M20 ग्रेड का यूज किए, मतलब FCK 20 आ गए तो मेरा वैल्यू ये आ गया है ना। सिमिलरली अगर 30 का यूज करेंगे तो मेरा ये वैल्यू आ गया। इसमें एक असाइनमेंट आप लोगों को दे दे रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, इसी टेबल को किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है बताओ, जल्दी बताओ, M10 के लिए, M15 के लिए, M35 के लिए और M40 के लिए, इतना के लिए आप लोगों को ये टेबल तैयार करना पड़ेगा। ओके, दिस इज योर होम असाइनमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब मेरे को क्या होगा, अब मेरे को परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना, परसेंटेज ऑफ स्टील मतलब ये इक्वेशन तो बहुत कॉमन था अभी जस्ट मैं बताया, C इक्वल्स टू टी मेरे को ये पता था, यहाँ से AST/B कॉमन ले लिए तो मेरा ये वैल्यू आ गया। अब आपको परसेंटेज ऑफ स्टील का मतलब ही पता है कि AST/BD × 100 AST/BD होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ प्लेस किए वैल्यू, तो AST हमारा AST/V का वैल्यू आ गया, AST/V, अगर यहाँ पर D से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी D से करना पड़े, वही इक्वेशन मेरा आ गया। अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो कर दोगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा, मतलब लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाए, ये तो परसेंटेज ऑफ स्टील हो गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करो मतलब अल्टीमेट वैल्यू आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी मतलब अल्टीमेट वैल्यू आ गया, तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील। अब आप देख लो, जीरो पर स्ट्रेस के वैल्यू को एक साथ लिख लो, एक्सयू मैक्स वाई डी के वैल्यू को एक साथ लिख लो, बिकॉज दिस इज लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील, लिमिटिंग जहाँ पे लगे वहाँ पे एक्सयू मैक्स का वैल्यू आएगा, है ना, एक्सयू मैक्स का वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा, एक्सयू मैक्स का, कब आएगा, जब लिखा रहेगा लिमिटिंग, कोई भी चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू रहे, है ना, तो यहाँ पे ये आ गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली अब देख लो, सेम कि 250 ग्रेड के लिए क्या हो गया, 250 ग्रेड के लिए अगर यूज करेंगे तो 250 ग्रेड के लिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 0.53 इसी क्वेश्चन में रखोगे तो 0.53 रखोगे, और FY का वैल्यू कितना रखोगे, 250, FY का वैल्यू कितना रखोगे, 250, है ना, FY का वैल्यू कितना रखोगे, 250, और इसका वैल्यू कितना रखोगे, 0.53, तो मेरा इक्वेशन क्या है, 0.088 FCK, है ना। सिमिलरली 415 का 0.048 FCK, और दैट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील, है ना। और अगला क्या हो गया मेरा, 500 ग्रेड के लिए 0.038 FCK। अब आपको FCK का वैल्यू अगर 20 यूज करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू, अगर M30 के लिए यूज करो 2.64 आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है, तो इसमें भी आप लोग होम असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, M10, M15, M35
M40 इतना का आप लोग होम असाइनमेंट इस टेबल को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं आगे और है पक्का। ओके यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, एज इट इज वैल्यू है। अब आप देखो, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन क्या हो गया, अगला हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सेक्शंस। पहला बैलेंस, अंडर इम्पोज, ओवर इम्पोज। लिमिट वर्किंग स्ट्रेस में हम लोग पता था कि अंडर इम्पोज, ओवर इम्पोज, बैलेंस सेक्शन क्या क्या होता था। तो बैलेंस सेक्शन होता था कि द स्ट्रेस, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्शन। मैं WSM का बात अभी मैं कर रहा हूँ। WSM में क्या, ये जो अभी जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग LSM से करेंगे। अर्लियर जो किए जो थे, अर्लियर में किए थे वो WSM से किए थे। किससे किए थे बताओ, जल्दी बताओ, WSM से किए थे, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है WSM में क्या हम लोग डिफाइन किए थे। इट इज अ टाइप ऑफ बैलेंस सेक्शन के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ सेक्शन इन विच द स्ट्रेस इन स्टील एंड कॉन्क्रीट रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम या फिर साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही टाइम में स्ट्रेस अपना परमिसिबल वैल्यू, स्टील और कॉन्क्रीट दोनों अपना परमिसिबल वैल्यू, स्ट्रेस का परमिसिबल वैल्यू अचीव कर लिया, तो वो हो गया बैलेंस्ड। सिमिलरली ध्यान रखें, मैं ये इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सेमेस्टर में कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन एज पर WSM एंड LSM मेथड्स, और 7 नंबर या फिर 14 नंबर कभी कभी पूछ देता है। इसीलिए मैं इसको रिकॉल करवा रहा हूँ कि आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिए, दोनों में एक ही नहीं लिखिएगा। WSM में क्या बोला कि स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम, है ना। दूसरा क्या था, अंडर इनपोस्ट। अंडर इनपोस्ट में WSM में, WSM का भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं WSM का बात कर रहा हूँ। अंडर इनपोस्ट में क्या था, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्शन इन विच स्ट्रेस इन स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू। स्ट्रेस इन स्टील ये मान के चलिए न्यूट्रल एक्सिस, स्ट्रेस इन स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू अर्लियर, अर्लियर देन कॉन्क्रीट। ये कॉन्क्रीट हो गया, ये स्टील हो गया, पहले रीच कर लेता था, है ना। और तीसरा, तीसरा सेक्शन क्या हो गया, तीसरा सेक्शन क्या हो गया, बैलेंस सेक्शन हो गया। बैलेंस सेक्शन में क्या था, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू अर्लियर देन स्टील। ये कॉन्क्रीट हो गया और ये स्टील हो गया, है ना, सिग्मा ST बाई एम था, है ना, करेक्ट। तो ये हो गया करेक्ट, लेकिन जब आप लिमिट स्टेट से डिफाइन करोगे तो ये डिफिनेशन नहीं होगा करेक्ट। ये ध्यान पर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजम्पशंस में ही मेरा बोल दिया, एजम्पशंस में ही बोल दिया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इग्नोर्ड बाय कॉन्क्रीट, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ इज बियर्ड बाय स्टील इटसेल्फ, है ना। दूसरा क्या था, द अल्टीमेट स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर इज 0.0035, है ना। तीसरा क्या था, टेंशन जोन में जो अल्टीमेट स्ट्रेन है 0.87 FY बाय ES प्लस 0.002 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, या तो उतना या फिर उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना, ये पता है। अब इसी पे हम फिर से एक सेक्शन डिजाइन किए, सेक्शन डिजाइन किया, अब सेक्शन पता ही है BD का क्या क्या है, B हो गया विड्थ, ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू 0, स्ट्रेन का वैल्यू 0, है ना, करेक्ट। अब क्या है, स्ट्रेन का वैल्यू 0, ये हो गया एरिया ऑफ सॉरी टेंसाइल स्टील, ये D- हो गया इफेक्टिव कवर, इसके वजह से क्या हो गया बताओ, इस न्यूट्रल एक्सिस के वजह से ये हो गया कंप्रेशन और इस स्टील के वजह से ये हो गया टेंशन, है ना, करेक्ट, इतना पता है। ओके अब देखो अब क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे तो सिंपल RC बीम मैंने लिखा, लिखा है कि नहीं। अब आप देख लो, ये हो गया बैलेंस सेक्शन, ये हो गया अंडर, ये हो गया ओवर, ये डायग्राम कौन सा है, तो डायग्राम में स्ट्रेन डायग्राम, उधर क्या डायग्राम था, उधर स्ट्रेस डायग्राम, उधर मतलब WSM में स्ट्रेस डायग्राम से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, इसमें हम लोग स्ट्रेन डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो क्या क्या है, इफ द स्ट्रेन इन स्टील एंड कॉन्क्रीट रीचेज देयर यील्ड वैल्यू, अल्टीमेट नहीं, यील्ड वैल्यू, है ना, स्ट्रेन के टर्म में यील्ड वैल्यू आएगा एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में कॉन्क्रीट और स्टील दोनों अपना यील्ड वैल्यू रीच कर लेता है, तो वो मेरा बैलेंस सेक्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा अंडर इम्पोस्ट, अगर स्टील अपना स्ट्रेन का वैल्यू पहले रीच कर लेता है, स्ट्रेन का यील्ड वैल्यू पहले रीच कर लेता है, किससे, कॉन्क्रीट से, मतलब कॉन्क्रीट अपना 0.0035 वैल्यू रीच नहीं करता है, मतलब ये जो होता है लेस देन हो जाता है, क्या होता है 0.0035 से कम हो जाता है, देखो यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है कम है, तो कम वैल्यू रहता है, तो इस तरह का सेक्शन हो गया
अंडर रिइंफोर्स ओवर रिइंफोर्स तो पता ही है, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर अपना येल वैल्यू रीच कर लेता है अर्लियर देन स्टील, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस्टेक किया हूँ, उसको ध्यान पे रखना, ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा ध्यान रखना, इसको सही कर लेना बस, इसको सही कर लो, बहुत सारे बुक में ऐसे ही रहता है लेकिन इसको सही कर लेना, मैं अभी ध्यान दिया हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, बिकॉज स्टील अपना जो है परमिसिबल वैल्यू रीच नहीं कर पाता है, सॉरी यील्ड वैल्यू स्ट्रेन का रीच नहीं कर पाता है ना। तो चलो अब देखते हैं एक एक करके बैलेंस सेक्शन। अब एक चीज़ देख लो, इसी में मैं समझा दे रहा हूँ डिफरेंस क्या क्या, बाकी तो आप भी पढ़ ही सकते हो। जैसे ही स्ट्रेन फॉर्म हुआ तो मेरा ये न्यूट्रल एक्सिस, अर्लियर क्या था न्यूट्रल एक्सिस था, अब मेरा क्या हुआ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी यही हो गया, ANA भी यही हो गया, है ना। लेकिन जब ये मेरा अंडर रिइंफोर्स्ड हुआ तो अंडर रिइंफोर्स्ड में क्या बोला कि स्टील अपना पहले रीच कर लेता, पहले रीच कर लिया ना, और कॉन्क्रीट अपना बाद में रीच, मतलब उतना रीच नहीं कर पाता, यील्ड वैल्यू रीच नहीं कर पाता स्ट्रेन का। तो मेरा एक्सिस शिफ्ट हो गया ऊपर, अब मेरा एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया, ANA मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तीसरा क्या हो गया, तीसरा केस क्या हो गया बताओ, तीसरा केस में क्या हो गया, अब आप देख सकते हो तीसरा केस में क्या हो गया, तीसरा केस में क्या हो गया, स्टील जो है अपना यील्ड वैल्यू कॉन्क्रीट के रेस्पेक्ट में नहीं रीच कर पाता है ना। तो मेरा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गया, तो जैसे ही ये शिफ्ट हो गया तो XU का वैल्यू जो है वो शिफ्ट करते रहेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके वेरी गुड। सो बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन मतलब क्या, XU बाई डी इक्वल्स टू XU मैक्स बाई डी, XU मैक्स बाई डी मतलब क्या हो गया, XU मैक्स बाई डी मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्या हो गया, वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, करेक्ट। तो देख लो, इट इज दैट टाइप ऑफ सेक्शन इन विच द स्टील रिइंफोर्समेंट रीचेज द यील्ड स्ट्रेन एंड एट द सेम टाइम कॉन्क्रीट रीचेज द अल्टीमेट स्ट्रेन वैल्यू। स्टील अपना यील्ड स्ट्रेन वैल्यू रीच करता है और कॉन्क्रीट अपना अल्टीमेट, बिकॉज कॉन्क्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल एंड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, सो फॉर दैट रीजन स्टील जो है अपना यील्ड वैल्यू रीच करता है और कॉन्क्रीट अपना अल्टीमेट वैल्यू रीच करता है। तो ये इक्वेशन यहाँ से आया, ये इक्वेशन यहाँ से आया, है ना। उसके बाद क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू द लिमिटिंग परसेंटेज, मतलब पी लिमिटिंग, पी लिमिटिंग क्या था पता था ना, पी लिमिटिंग मेरा क्या आया था, पी लिमिटिंग का वैल्यू क्या आया था बताओ, 0.87 लिमिटिंग का वैल्यू आया था FCK 0.87 FY इंटू XU मैक्स बाई डी इंटू 100, है ना, कितना था 100 ये था, है ना। तो यहाँ से ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू, है ना, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। तो वो क्या बोला कि वो परसेंटेज इक्वल होता है। तीसरा, इन दिस सेक्शन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लाइंग इन द सेम एक्सिस और लाइंग इन द सेम प्लेन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, आप दोनों फॉर्मूला से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, स्टील वाले टेंशन वाले से भी कंप्रेशन वाले से भी। अगला है अंडर रिइंफोर्स, अंडर रिइंफोर्स में आपको पता है कि XU YD का वैल्यू क्या था, कम हो जाता था XU मैक्स YD का वैल्यू, सर उसमें क्या था WSM का, अगर रिकॉल करोगे तो WSM का पता था कि WSM का क्या था बताओ, WSM का NC का वैल्यू जो था ज़्यादा था NA से, है ना, NA से। सेम यही है, यही तो क्रिटिकल वैल्यू है ना, क्रिटिकल वैल्यू इसमें भी ज़्यादा है ना, ध्यान रखना। तो पता ही है स्टील फेल्स फर्स्ट बाय रीचिंग, अच्छा ध्यान पर रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डिजाइनर्स जो है अंडर रिइंफोर्स सेक्शन को ही क्यों प्रेफर करता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये कि वाई अंडर रिइंफोर्स सेक्शंस आर प्रेफर्ड इन डिजाइन, इस तरह का क्वेश्चन होता है। अगर ये आएगा तो ये पैरामीटर्स को लिखना पड़ेगा, अंडर रिइंफोर्स्ड वाले सारे फीचर्स को, है ना, फीचर्स को, और ये पूरा चीज़ को लिखना पड़ेगा, कौन से कहाँ से कहाँ तक ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता है कि इट इज दैट टाइप ऑफ सेक्शन इन विच द स्टील फेल्स फर्स्ट बाई रीचिंग इट्स यील्ड स्ट्रेन वैल्यू ऑल दो इन कॉन्क्रीट द अल्टीमेट वैल्यू स्ट्रेन हैज नॉट रीच्ड, मतलब 0.005 से तो कम ही रहता था वैल्यू, एज वी नो दैट द स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल,
एंड इट गिव्स सफिशियंट सफिशियंट वार्निंग बिफोर फेल्योर। डक्टाइल होगा तो मतलब वार्निंग पहले ही देगा, है ना। सो द अंडर रिइंफोर्स्ड आर प्रेफर्ड बाय द डिजाइनर्स। सो समझ में आ गया। इन दिस रिइंफोर्समेंट द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन द मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू। फॉर दैट रीजन ये इकोनॉमिकल भी होता है। तो आपको पता है कि पहला पहला फीचर्स क्या था, स्ट्रेन जो होता था स्टील का अपना यील्ड वैल्यू रीच कर लेता था, और कंक्रीट जो है अपना अल्टीमेट वैल्यू रीच नहीं कर पाता। अल्टीमेट वैल्यू मतलब 0035। फिर से एक्स यू बाई डी जो होता था कम होता था एक्स यू मैक्स बाई डी से। तीसरा, परसेंटेज ऑफ स्टील भी कम होता था परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील से, ठीक है। और इसी रीजन से इसको हम लोग इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोलते थे। चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया आपका सेक्शन फेल्स इन अ डक्टाइल मैनर, मतलब फेल होने से पहले क्या होता था, वो अपना शो कर देता था कि आई एम गोइंग टू फेल, है ना। सो इसलिए अंडर रिइंफोर्स्ड का यूज़ होता था। और चौथा क्या हो गया, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा तो चूंकि अंडर रिइंफोर्स्ड मतलब किसका कौन अपना स्ट्रेन पहले रीच कर रहा है, तो ऑलवेज आपको क्या है, स्टील अपना स्ट्रेन स्टील अपना यील्ड स्ट्रेन पहले यील्ड स्ट्रेन पहले रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पे टी इंटू लीवर आर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो टी का वैल्यू तो यही था और लीवर आर्म का वैल्यू ये था, करेक्ट। अगला हेडिंग ओवर रिइंफोर्स्ड, जस्ट रिवर्स, मतलब स्ट्रेन जो होता था कंक्रीट वो पहले रीच कर लेता था अपना अल्टीमेट वैल्यू किससे, स्टील के कंपैरिजन, स्टील अपना यील्ड वैल्यू पहले रीच नहीं कर पाता था, है ना। दिस सिग्निफाई दैट ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन फेल्स बाय क्रशिंग, है ना। बिकॉज दिस इज, अगर कंक्रीट ही पहले रीच कर लेगा तो मतलब ऑब्वियसली कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल, तो यहाँ पे फेल्योर जो होता था क्रशिंग फेल्योर होता था, ठीक है ना। एंड एज वी नो दैट द कंक्रीट बींग ब्रिटल फेल सडनली विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस टू द डिजाइनर, सो एज पर IS 456/2000 ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन शुड बी रीडिजाइन, उसको रीडिजाइन फिर से किया जाता है। अगर आपको सेक्शन ओवर रिइंफोर्स्ड हो गया तो उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, मतलब सेक्शन के इसको बढ़ाना पड़ेगा एरिया को। फीचर्स ऑफ ओवर रिइंफोर्स्ड, सिमिलरली स्ट्रेन अपना वैल्यू रीच कर लिया कितना 0035 फर्स्ट, एंड स्ट्रेन इन स्टील एट द सेम टाइम लेस होता था किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, है ना। अगला क्या था, एक्स यू बाई डी जो होता था बड़ा हो जाता था, ये LSM है, कौन सा है LSM का मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन WSM में क्या होता था NA जो होता था बड़ा होता था NC से। तो देखो NC मेरा ये है, यहाँ पे भी छोटा है वहाँ पे भी छोटा है, कंसेप्ट वही है, लेकिन डेफिनेशन जो होता है दोनों का अलग अलग हो गया, है ना। ओके, परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो गया, ज़्यादा हो गया लिमिटिंग परसेंटेज स्टील से, मतलब इसके इसीलिए ये जो होता है ओवर रिइंफोर्स सेक्शन जो होता है अनइकोनॉमिकल होता है WSM में भी और LSM में भी, है ना। बिकॉज LSM में भी होता है, LSM में तो हो ही रहा है, WSM में भी हो रहा था। और पांचवा पॉइंट क्या हो गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, चूँकि यहाँ पे कॉन्क्रीट पहले अपना यील्ड वैल्यू रीच कर ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वैल्यू जो था ये था सी का, और ये जो वैल्यू था ये था लीवर आर्म का, था ना, किसका था लीवर आर्म का, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स दैट आर टू बी फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे आपको वेरियस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, और अपना प्यार और स्नेह देते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच।